जीवन यापन के लिए जंगली पशुओं का शिकार किया जाता था। तो एक उसी का एक दृश्य है, ये शिकारी जंगल में बैठा हुआ है, वो सुअर जंगली सुअर है, जंगली सुअर है, उसका शिकार करेगा ये, उसके बाद ही फिर ले आएगा इसको, यही दर्शाया गया है इसको। ये दिखाना चाह रही है कि जिस तरह से ग्रामीण पर इसमें किस तरह से बच्चा को मैंने बेतरा के और कुछ काम करते हुए इस तरह काम किया जाता है। पर एक आदमी दिख रहा हो, क्या कर रहा है ये आदमी ऊपर में? ये आदमी जो है ना, माचा का यही काम है कि मचान बना के जो है, जैसे हम लोग का क्षेत्र में जो है हाथी बहुत आता है, अच्छा। है ना, तो उसको जो है पहला आगाज जो है उसी को मिलता है। यहाँ पर देखिए पूजा करते हुए दिखाया गया है कि आदिवासी कैसे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। एक व्यक्ति है जो हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ पे पूजा का सामान है, आप देख सकते हैं दोना में कैसे सामान है, यहाँ पे दोना में सारे सामान है और बिल्कुल जैसे आदिवासी है ऐसे ही वृक्ष के सामने, पेड़ के सामने हाथ जोड़कर इसी तरह से सरना माँ हो या जिनकी भी आस्था के अनुसार ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये जीवन दर्शन दर्शाया गया है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर सिकिदरी आए हैं। सिकिदरी अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है और सिकिदरी का ये फुटबॉल मैदान है और आज यहाँ बेदिया युवा मंच के तत्वाधान में विज्ञान प्रदर्शनी सा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। लगभग 3 सालों से ये आयोजन युवा मंच कर रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग आए हैं। लेकिन इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि यहाँ पर एक गांव को बसाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया है कि आदिवासी का जो गांव होता है उसका जो जीवन दर्शन होता है वह कैसा होता है। तो फिलहाल उस गांव में हम प्रवेश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों का जनजीवन कैसा होता है, कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मचानों में रहते हैं, कैसे शिकार करते हैं, कैसे औजारों का प्रयोग करते हैं। फिलहाल इस गांव का ये द्वार है, हम गांव में अंदर घुस चुके हैं और हम यहां से शुरू करेंगे, गांव को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पे बनाया गया है, गांव का स्वरूप दिया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं धान की बालियां हैं जो एक गांव के रूप में होता है। एक दादा हैं जो हमें समझाएंगे कि क्या है इस गांव का थीम और ये फिलहाल इस जो गांव का ये जो घर है इसके बदौलत क्या बताना चाह रहे। फिलहाल आप यहां पे देखिए एक माता जी का यहां पे बनाया गया है स्वरूप, पीठ में बच्चा है, सामने में ये कुछ कर रही है, ये सर ही बताएंगे। सर क्या थीम है ये, आप लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की है? ये ग्रामीण परिवेश में जो अभी के पहले ज़माने में जैसे ये हो गया एक घोंग पत्ता हो गया, अच्छा। है ना, इसमें जो टोपी बनाया जाता है, ये सोहराई के समय ये जो धान का जो ये बनाया गया ये इसको मोड़वेर बोला जाता है, ये है चिड़िया फंसाने का जो ये है यंत्र जिसको बोलते हैं, खुजी इसको बोला जाता है। अच्छा, पहले इसको खेतों में लगाते थे। हाँ, खेतों में इसको लगाया जाता है। ये भी मोड़वेर हो गया, ये हो गया आपका मुर्गी जब अंडा देती है तो उसको बैठाने के लिए, है ना, अच्छा, वो है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये है एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ड्रम, अच्छा। जिसको ये तो आधुनिक है सर। हाँ, मतलब इस तरह से ये बनाया जाता है। ये तुम्बा हो गया, है ना, इसमें कोई भी सामान पैसा वैसा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था पहले। अच्छा। है ना, ये लौकी का बनाया जाता है, कद्दू जो लौकी ना समझे, कद्दू, कद्दू का ये जिसको बोला जाता तुम्बा। और उसके बाद इधर जैसे कि ग्रामीण परिवेश में इस तरह से जो घर का जो सामान रखा जाता है, ये छोटा सा बेड बनाए बेड बनाया हुआ है, उधर जो खाने पीने का सामान है, इस तरह से छोटा सा ग्रामीण परिवेश में जो लोग यूज करते थे, मतलब ये छोटा सा घर है जिसमें घर में क्या क्या पहले सामाने रखी जाती थी, चिड़िया पकड़ने का, धान का, यहाँ पे मुर्गी अंडे देगी उसका, और छोटा सा बेड है, मतलब ग्रामीण परिवेश दिखाने की कोशिश की गई है। सर आपका नाम? चारू प्रसाद मां जी। अच्छा, आप इस बेदिया युवा मंच के कुछ हैं सर? सचिव हुए। सचिव हुए, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये महिला क्या कर रही है सर? ये
दिखाना चाह रही है कि जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में किस तरह से बच्चा को मैंने बेतरा के और कुछ काम करते हुए इस तरह काम किया जाता है। चलिए, तो सचिव जी हैं बेदिया युवा मंच के, यहाँ पे एक महिला बनाया गया है, पीठ में बच्चा है और यहाँ पे महिला काम कर रही है। बिल्कुल, आप गांव इलाके में जाएंगे तो इसी तरह से महिलाएं आपको काम करती हुई दिखेंगी। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए एक मचान टाइप का बनाया गया है, क्या है इसका थीम? ढेकी वगैरह दिख रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बताएंगे? दादा जोहार, क्या नाम हुआ आपका? ब्रज किशोर वेदिया। अच्छा, आप भी इस वेदिया मंच के कुछ हैं? जी जी जी। क्या हुए? ये सैदा से हम ये जो मचान आपने बनाया है, ऊपर एक आदमी दिख रहा है, क्या कर रहा है ये आदमी ऊपर में? ये आदमी जो है ना, माचा का यही काम है कि मचान बना के जो है, जैसे हम लोग का क्षेत्र में जो है हाथी बहुत आता है। अच्छा। है ना, तो उसको जो है पहला आगाज जो है उसी को मिलता है। अच्छा। ये काम होता है, मतलब ये मचान पे इशारा करता। अच्छा, ये व्यक्ति मचान पे बैठ के देखेगा कि फसल को नुकसान हो रहा है कि नहीं किसी चीज से। जी, है जी 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 जी। अच्छा, बाकी चीज समझाइए दादा, क्या है? तीर धनुष दिख रहा है, ढेकी दिख रहा है। ढेकी आप समझ ही रहे हैं, ढेकी से बहुत सारा चीज जो है हम लोग पर्व त्योहार में जो ये जो आपका आटा बनाते हैं, जो जैसे चावल का आटा बनाते हैं, है ना, तो वो बनाने काम आता है। जैसे धान जो है हमारा प्रमुख जो है, वो धान से जो है हम चावल निकालते हैं, है ना, ये बहुत इत्यादि सारा चीज़ जो है इससे जो है काम लिया जाता है। जी, बाकी और कुछ उधर दिख रहा है, क्या है? बिल्कुल, ये चटाई है आपका जो हम लोग का खजूर का है ना, खजूर का चटाई है। और ये जो है आपका ये ढोल ढाक जो बजाते हैं, है ना, ये नगड़ा बजाने वाला है, नगड़ा बजाने वाला है, है ना, ये सब नगड़ा उगड़ा है। और सिक्का भार है, है ना, ये जब जो सिक्का सब है। और ये जो है लकड़ी जो है, इसको बोझा बोलते हैं। अच्छा। है ना, हम लोग गांव की महिलाएं जो उठाती हैं। जी जी, बोझा, इसको बोझा बोलते हैं, जो महिलाओं का जो है, देखिए आकार भी दिया हुआ है। और इसको जो रस्सी है ना, इसको मैड्री मैड्री बोलते हैं, मैड्री, जैसे रस्सी का जो मैड्री जो रस्सी बांधने का जो होता है, लकड़ी का जो गांठ होता है उसको लोग फंसाते हैं ना आखिर में। हाँ जी, उससे मजबूत होता है ये रस्सी से। और इधर आपका इधर तीर धनुष है। हाँ, ये तीर धनुष है जो हमारा पारंपरिक जो है, जब हमको महसूस होता है कि हम असुरक्षित हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं, या हमारा समाज में जो है ये लगता है कि असुरक्षित महसूस होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं, अन्यथा गलत काम में नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं दादा? सिक्का भार बोलते हैं। सिक्का भार बोलते हैं, जैसे हम लोग जो है इसमें जो है बहुत सारा रोजगार जैसे करने जाते हैं, है ना, कुड़ी जो मजदूर में, है ना, मजदूर जाते हैं, कुली लोग यूज करते हैं, इसको लेके जाते हैं, है ना, और इसी से रोजी रोटी चलता है। बहुत लोग इसको बहंगा भी बोलते हैं। बहंगा भी बोलते हैं। तो यही है, ये मचान बनाया गया है, मचान के नीचे बहुत सारी चीजें हैं, आपको ढेकी मिल जाएगा, चटाई है, बहंगा है, तीर धनुष है, बहुत कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ये जीवन दर्शन जो हम शुरू से कह रहे हैं कि आदिवासियों का जीवन दर्शन यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। अच्छा, यहाँ पे बंदूक को भी टांगे हैं? जी जी जी, ये जो है पहले, बहुत पहले जो है इस्तेमाल किसी ने लोग करते थे, इसीलिए जो इसको रखा गया है शिकार बस, में। हाँ बस। अच्छा। और इसे शौकिया जो है रखा गया है। अच्छा। हाँ शौकिया, हाँ शौकिया रखा गया है। और ये चीज़ आपको हम बताएंगे, जो महुआ से जो है हम जो है उसका जो ये चुलाते हैं, है ना, उसका जो उपयोग करते हैं उसका, इससे हम महुआ मतलब जो महुआ दारू बनता है उसकी बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा। तो उससे हम लोग इससे जो है प्रयास करते हैं निकालने का, ये चीज है। अच्छा। मतलब गाँव में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज झलकाने की कोशिश की गई है। झाड़ू है ना, पहले जो बांस का झाड़ू है ना, इससे बहुत सारा साफ सफाई है ना अभियान जो है हम लोग चलाते हैं, और ऐसे घर में नेचुरली इसको रखते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको हर आदिवासी घर में मिल जाएगा? जी जी जी, ये सभी आदिवासी का घर में ये चीज मिलेगा। हाँ, और ये डमरू है ना, ये इसका भी इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे लोग जो रहते हैं सिखाने का जो काम आता है, तो ये चीज़ है। और इससे जो है ये रस्सी जो है, ये रस्सी आपका खटिया बनता है, इससे है ना, इससे खटिया बनता है, क्या बोलते हैं इसको? इसका जो है याद नहीं आ रहा है हमको, लेकिन इसको जो है नारियल नहीं, सनई, हाँ सनई का जो है रस्सी है, ये बहुत मजबूत होता है ना। और ये सूत्री का रस्सी है, इसका भी जो हम लोग कहीं कहीं जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुतना उतना में, है ना, जो भी बहुत मजबूत होता है।
चलिए तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, लेकिन खास बात इस अच्छा ये क्या है? ये जो है बहुत लोग इसको टोपी पहन के देख रहे थे। हाँ, टोपी पहन के देखते हैं, लेकिन ये जो है ठोंगा आपका जो है दिखने में लग रहा है, लेकिन ये जो है हड़िया का जो हम लोग मेरा जो जिसमें छाटते हैं वो चीज है। अच्छा, मतलब पहले के जमाने में, अभी तो लोग इसे करते हैं, छकनी से करते हैं, तो पहले ऐसे होते थे और हड़िया को ऐसे छानते थे और इसमें मेरा अटकता था, पानी यहाँ से निकलता था। वाह, नया चीज हम देख रहे हैं। जी जी, चलिए बढ़िया। यही खास बात है इस विज्ञान प्रदर्शनी सा युवा महोत्सव की, कि आपको यहाँ एक छोटा सा गांव देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप दूसरे घर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं और दिखाने की कोशिश की गई है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपलाल वेदिया है। अच्छा, आप इस वेदिया युवा मंच के कुछ हैं सदस्य क्या है? मैं सदस्य तो हूँ, लेकिन मैं सक्रिय सदस्य नहीं हूँ। अच्छा। मुझे आमंत्रित किया जाता है, वैसे ही मैं धनबाद में रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे जब आमंत्रित, तो आप धनबाद से आए हैं यहाँ युवा महोत्सव मनाने? धनबाद, ऐसे घर मेरा यहीं और मांझी प्रखंड पड़ता है, आरा केरम गाँव है। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ रेलवे में कार्यरत हूँ, तो अक्सर छुट्टी प्राय नहीं मिल पाती है। अच्छा, खैर समाज की बात है, तो दादा आज युवा महोत्सव मनाने आए हैं। आप जिस घर के सामने खड़े हैं, ये क्या दर्शा रहा है दादा, थोड़ा बताइए हमें। दर्शा कुछ नहीं है, दर्शा ये रहा है कि ये दिखाया गया है कि आदिवासियों के घर जो पारंपरिक जो घर होते थे, आज के समय में तो बहुत से घर अब आधुनिक किस्म के हो गए हैं, लेकिन जो पारंपरिक तौर पर जो घर बने होते थे, या उसमें वनों की तराइयों में, जंगलों की तलहटों में, तो इस तरह के जो घर होते थे तो बहुत कच्चे पक्के होते थे, कई तरह के कुछ के घर भी नहीं होते थे, घर होते थे तो छत जो है खपड़े के होते थे, कुछ घर ऐसे होते थे कि केवल झोपड़ी की तरह होते थे। वही आप दर्शाने की कोशिश की है जो है ये घर पूरी की पूरी झोपड़ी की शक्ल में है, और इसी प्रकार जो है इसमें भी ये जो दीवार है, ये तो दीवार में भी क्या होता था कि पहले या तो कच्ची मिट्टी की दीवार ही बाद में शुरू की गई, इसमें जो ये जो छप्पर बनाई गई है उसी का दीवार भी बनाया जाता था। अच्छा, इसी का दीवार भी बनाया जाता था। बाद में धीरे धीरे ये सब जब जूट वगैरह आने लगा तो बढ़ती गई, वैसे उसके बाद मिट्टी की दीवार, आज ईंट की दीवार होती है। तो ये सब आप जो लगाए हैं, कुमनी है और ये सब भी शायद कुछ पकड़ने वाला ही है। ये तो आप नाम जान ही गई, ये मछली पकड़ने के लिए है। बांस के तिनके से बनाया जाता है इसको। इसमें जब इसको जो है, इसका मुख जो है, ये जब पानी के धार की दिशा में, उल्टी दिशा में इसको रखा जाता है, पानी उधर से इस तरफ बह रहा है तो उस नीचे जिधर पानी बह रहा है उसको इधर करेंगे, और जिधर से पानी बह रहा है उसको इधर करेंगे, और पानी के साथ जब मछली आएगी तो यहाँ घुसेगी, उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से बना होता है कि इसमें घुस जाने के मतलब घुसने के बाद नहीं निकल पाती है। तो इसको अक्सर क्या किया जाता है कि शाम को जहाँ इस तरह पानी बहता है, एक नाली की तरह में कुछ खेत वगैरह में होता है, तो वहाँ लगा दिया जाता है, सवेरे लोग उसको उठा करके फिर ले जाते हैं, जो भी मछलियाँ इसमें ये होती हैं। ये भी मछली पकड़ने का एक तरीका है। अच्छा, ये भी मछली पकड़ने वाला, क्या बोलते हैं इसको? झिमरी बोलते हैं। झिमरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी मछलियाँ इसमें आती हैं। अच्छा अच्छा। इसमें देखिए, इसमें दो तीन के बीच के नहीं है, इसमें इसी से मछली घुसती है। अरे वाह। और यहाँ भी सबका उसी तरह का। अच्छा अच्छा, मतलब छोटी छोटी मछली खानी है तो इसको यूज करिए। क्या नाम बताए सर इसका? झिमरी। अच्छा, ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ये सुअर है, समझ में आ रहा है, और ये शिकारी है, क्या है? शिकारी है ये। ये प्राचीन काल में जीवन यापन का साधन क्या था? शिकार, माने ये पहले तो जो है सबसे पहले लोग शिकार का ही प्रयोग करते थे। आदिम काल में जब शिकार करना शुरू हुआ तो पहले फल फूल के बाद उसके बाद शिकार करना लोगों ने जो शुरू किया। जब प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो उसे पत्थरों के औजार पहले बार बनाए जाने लगे, उसके बाद लौह युग आया तो उस समय उसका औजार बनाया जाने लगा। तो ये उस समय जो ये जीवन यापन के लिए
जंगली पशुओं का शिकार किया जाता था। तो एक उसी का एक दृश्य है, ये शिकारी जंगल में बैठा हुआ है, वो सुअर जंगली सुअर है, जंगली सुअर है, उसका शिकार करेगा ये, उसके बाद ही फिर ले आएगा इसको, यही दर्शाया गया है इसको। बहुत बढ़िया, देखिए ये शायद मिट्टी का बनाया गया है, पुआल है इसके अंदर में, पुआल होगा, उसके बाद ऊपर से मिट्टी चढ़ाया गया है। ये आप ही लोग बनाए हैं? हाँ हाँ, सार ये जितनी चीजें हैं खुद से बनाए गए हैं, कहीं अलग से कारीगर नहीं बुलाया गया। तो देखिए बेदिया युवा मंच ने कितनी मेहनत की है, खुद से ये बनाया गया है, शिकारी बनाए हैं, शिकारी यहाँ पे इंतजार कर रहा है शिकार का, और शिकार यहाँ पर है जैसे सर ने बताया जंगली सुअर, और ये दूर से ही बखूबी एकदम सुअर ही लग रहा है, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा। क्या दीदी इस दूर एकदम बहुत बढ़िया बना है। हाँ तो सही है, लग रहा सुअर। अच्छा ये क्या है सर? मुंगरा बोला जाता है, ढेल मुंगरा। हाँ वो मुंगरा या ढेल मुंगरा कहीं, इसको ढेला फोड़ने के लिए ही कहा जाता है। जब हल चलाते हैं तो गाय पे होती बैलों के साथ जो हल चलाते हैं तो जो ढेला बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसी से इसको। लेकिन आधुनिकता में सर अभी देखिए ट्रैक्टर के जमाने में ये सारी चीजें बंद हो जा रही हैं। उपयोगिता कम हो गई है, लगभग नहीं के बराबर उपयोगिता रह गई है अब, चूँकि गाँव में है, गाँव में है अभी भी, लेकिन कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ट्रैक्टर वगैरह आ गया है तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये शुरू में था इस प्रकार, पहले तो और कोई उपाय था नहीं, इसी से ढेला फोड़ा जाता था। हाँ, लेकिन ये जो गांव बसाया गया है बेदिया युवा मंच के तरफ से, तो यहाँ पुरानी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं दिखेगा, जो पुराने जिस हिसाब से खेती होती थी वही सब मिलेगा। हाँ सर, एक उसको दिखाइए, वो जो पुआल का बना हुआ है। अच्छा, हाँ। वो पुआल का बना हुआ है। हाँ, हाँ। उसमें धान है। अच्छा, पहले जब ये सब टोकरियाँ, जो बड़ी टोकरियाँ, इसको हम लोग खांचा बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें भी धान रखा जाता है, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग पैसे कम होते थे तो खांचा भी अधिक संख्या में नहीं खरीद पाते थे। अच्छा। लोग तो उसके विकल्प के तौर पर इस तरह का एक बनाया जाता था, ये पुआल से बनता है, ऊपर जो है पुआल का ही की रही रस्सी है, उसके बाद पुआल की रस्सी पहले बनाया जाता है, काफी जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से उतनी लंबी रस्सी, ये धान को लंबे समय तक संरक्षित करने के। उसके बाद उसमें पुआल बिछा दिया जाता है बीच में, उसके बाद फिर ऊपर से उसको चावल रख के फिर चारों तरफ से पुआल को मोड़ करके उसके बाद उसको बांधा जाता है, मोरा बोलते हैं। मोरा, सही बोले, मोरा। ये अभी भी है गाँव देहात में, शहर में लगभग अभी खत्म हो गया है, लोग तो अब बड़े बड़े ड्राम रखने शुरू कर दिए हैं। आपको बाकी जीवन दर्शन दिखाते हैं, गांव की झलकियाँ और दिखाते हैं, फिलहाल बहुत सारी चीज़ें सर ने हमें बता दी हैं। अब थोड़ा सा गांव की इस तरफ बढ़िए, आपको यहाँ पर जावा दिख जाएगा, जो अधिकतर हम लोग करम में यूज़ करते हैं। ये जावा बिल्कुल टोकरी में उगाया गया है, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका करम पर्व में यूज़ है। और थोड़ा से आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको शिकार करके ले जाते हुए दो गांव के युवक दिख जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में अब भी शिकार होता है, खासकर होली से पहले कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग शिकार पर जाते हैं, और शिकार से जब लौटते हैं तभी होली मनाया जाता है। फिलहाल ये होली वाली कहानी सब गांव में नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता है, सो हमने कह दिया। लेकिन ये शिकार करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे कि शिकार देखिए कैसे यहाँ पे टांग के लाया जा रहा है। अब हम दूसरे घर की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी एक ग्रामीण गांव घर बनाया गया है, यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी नुमा एक आकार दी गई है, और यहाँ पे देखिए पक्षी रहने के लिए जगह बनाई गई है, तीर धनुष है, मतलब एक प्रॉपर छोटा छोटा गाँव दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा से यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा घर है, आपको बस थोड़ा सा सिंबॉलिक दिखाया गया है कि किस तरह से होते हैं। यहाँ पर देखिए गांव देहात में पुआल रखने का जो माचा बोलते हैं, यहाँ पे माचा रखा गया है, पुआल धान जब कटता है उसके बाद पुआल जमा करके रखते हैं पशुओं के लिए। और सबसे खास बात इस गांव की कि यहाँ पर देखिए पूजा करते हुए दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए पूजा करते हुए दिखाया गया है कि
आदिवासी कैसे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। एक व्यक्ति है जो हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ पे पूजा का सामान है, आप देख सकते हैं दोना में कैसे सामान है, यहाँ पे दोना में सारे सामान है और बिल्कुल जैसे आदिवासी है ऐसे ही वृक्ष के सामने, पेड़ के सामने हाथ जोड़कर इसी तरह से सरना माँ हो या जिनकी भी आस्था के अनुसार ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये जीवन दर्शन दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये चारों तरफ इस इलाके में सिर्फ आदिवासी गांव दिखाया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कुआं दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे कोड़ा भी गया है। देखिए गांव में इसी तरह का पानी भरने के लिए होता है, बाल्टी नहीं होता था उस वक्त, मैं नाम भूल जा रही हूँ उसे क्या कहते हैं, अगर आपको याद आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं भूल जा रही हूँ। तो गांव इलाके में ये पहले था, अब नहीं है, किसी किसी पुराने कुएं में आपको ये सब मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक गांव दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए ये कैसे होता था, इसको जब आप ऊपर उठाएंगे तो वो बाल्टी नीचे जाएगी, पानी भरेगा, उसके बाद फिर इसको नीचे रखते हैं। जो लोग गांव में रहे हैं वो बिल्कुल समझेंगे। अब यहाँ से गाँव का माहौल समझिए इस तरफ से कि कैसे जो बेदिया युवा मंच है उन्होंने एक एरिया पूरा गांव ही बसा दिया और यहां पे दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे गांव होते हैं, गांव के घरों के सामान कैसे होते हैं, गांव के मचान कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें यहां पे छोटे छोटे रूप में दर्शाने की कोशिश की है। बेदिया युवा मंच के द्वारा ये अच्छी पहल है, खासकर जो नव युवक हैं, युवतियाँ हैं, जो गाँव देहात नहीं जा पाते हैं, जिनका गाँव से रिश्ता नाता ख़त्म हो गया है, कम से कम यहाँ पर आके वो सकते हैं कि गांव का आकार प्रकार कैसा होता है, कैसी सामानें यहां रखी जाती है, कैसे छत होते हैं, कैसे मिट्टी के घर होते हैं। यहां मिट्टी के घर तो नहीं बना सकते थे लेकिन उसको बोरा से समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे वहां के घर होते थे। फिलहाल बहुत कुछ यहां पे है समझने के लिए, देखने के लिए, और जो यहाँ पर आए हैं उम्मीद है कि वो देखेंगे, समझेंगे और आदिवासियों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम हैं इस युवा महोत्सव में, कोशिश करेंगे और लोगों से और चीज़ें समझने की, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।